अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन से और सहारा ग्रुप से, आप लोग का भाई। पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं तमाम UCID फाउंडेशन टीम का। हमारी जो इतने दिन से जो कोशिशें चल रही थी कैदियों को छुड़ाने की, जो दूसरा कैदी के लिए था, जो तड़प थी पैसा जमा करने की और जस्तजू लगी हुई थी, मेहनतें लगी थी, कई लोग मासूम बच्चियाँ तक पैसे डालने की कोशिश किए थे और डाले थे, और कई लोग का हिस्सा है इसमें जो माशाल्लाह कोशिशें किए थे जिस तरह जिसको छुड़ाने के लिए, कैदी को बाहर लाने के लिए, माशाल्लाह वो अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले वो छूट चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हो चुका है जो चल्लापल्ली जेल से, जो UCID के हमारे जो ख़ास करके आसिफ साहब चीफ सेक्रेटरी और सरदार साहब जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट और हमारे आमिर और कई लोग हैं जो माशाल्लाह जाकर उनको वहाँ से छुड़ा कर लेकर आए हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पहले UCID फाउंडेशन टीम का भी और सारे तमाम लोगों का जिसने आगे बढ़ के जो कोशिशें की है। अल्लाह ने आपकी मेहनत और आपका पैसा और आपकी दुआएं सभी को कबूल किया है, इसीलिए किसी आदमी ने आदमी को छुड़ा कर हम लोग बाहर लाएँ, ये किसी की यानी हमारी कोई औकात नहीं है किसी को छुड़ाने की। लेकिन जिस तरीके के अल्लाह ने चुना है अल्लाह ने चुना है हम लोग के लिए, तो ये अल्लाह ने हमें औकात दी है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हमारी छुड़ाने की तो औकात नहीं है लेकिन अल्लाह ने चुना है। तो मैं सभी को खुशखबरी सुना रहा हूँ। मोहम्मद इरफान साहब है ये जो 96 डेज से अंदर थे, अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हूँ और आज इन्हें रिलीज़ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब से इनकी मुलाकात करी, शुक्रिया खुदा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा बच्चा इरफान जो बेकसूर में वो नाहक के केस में फंसाया गया था मर्डर केस में, इसमें कोई कानून का हाथ नहीं, इनके रिलेशन वाले कराए हुए हैं और ये मासूम बच्ची, इन छोटे छोटे बच्चे बेचारी बहुत परेशान थी, मासूम बच्चे बहुत परेशान थे। रमजान का मुकद्दस महीना है, मैं UCID फाउंडेशन के तेलंगाना स्टेट चीफ सेक्रेटरी हूँ, हमारे सरदार साहब ग्रेटर हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी है, हमारे अलीम साहब हसननगर इंचार्ज है UCID फाउंडेशन के, हमारी खवातीन बहन जो एजाज भाई के वालदा कहलाते हैं, उन्होंने बेचारों की बहुत मेहनत की, एजाज साहब की भी मेहनत बहुत की, हमारे रेजिडेंट प्रेसिडेंट साहब का जितना भी बोले शुक्र अदा करता हूँ मैं, जो उनकी जितनी थी एक जो मेहनत थी उनकी, इस नतीजे पे आए हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह। एक रमज़ान में मुकद्दस एक ऐसा काम करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मासूम बच्ची और वो बच्ची के तीन बच्चे हीरो जान से दुआ देंगी तमाम फाउंडेशन के लोगों को, और मैं हमारे इरफान साहब की जबानी कुछ सुनना चाह रहा हूँ। इरफान साहब आपकी पैसा दिखा बाहर निकल गया, UCID प्रोटेक्शन से आपको जो आपकी बीवी आपके बच्चों को मिलाया जा रहा है वो कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा मैं न्यूज़ 18 वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सच है वही बताते हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि बेटे ये रमज़ान का मुकद्दस महीना है, आप किस तरीके से उम्मीद रखे थे, UCID फाउंडेशन वालों के अलावा कोई आपको निकालता बोले और मैं ये समझ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की उम्मीद UCID फाउंडेशन से थी, UCID फाउंडेशन वाले एक अपने पर्सनल पैसों से बिल डालकर निकाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं भी शुक्र अदा करता हूँ, जो हम उस काबिल समझे हमारे
हमारे सरदार साहब का भी इसमें बहुत ताउन था, हमारे हलीम साहब का भी बहुत ताउन था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये पूरे फाउंडेशन वाले जुस्तजू करके निकाले, इसमें मैं और मैं सरदार साहब, हलीम साहब, हमारी खवातीन बहन एजाज भाई बोल के नहीं, तमाम जो लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फाउंडेशन का चीफ सेक्रेटरी होने के नाते मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ, बाद में मैं फाउंडेशन वालों का शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि जो ये बच्चा कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं होना था वो हादसा बच्चे के साथ उनके लोग करा दिए, ये कुछ बच्चे को फंसा दिए। बच्चा तो उम्मीद नहीं रखा था और बच्चा ये कर रहा था मैं अपने आप को ख़त्म हो गया और बच्चा मरने के हफ्ते भी तैयार हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम करा और फाउंडेशन वाले जो सपने यहाँ से बच्चे की बेल करा के निकाल दी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, न्यूज़ टीवी हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़। Joseph.